मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में स्नेह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान यात्रा गुरुवार को बागली विधानसभा पहुंची, जहां पर यात्रा का अलग अलग स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के साथ संत माधवानंद चल रहे थे, जिसके द्वारा गांव में चौपाल आयोजित कर आम जनता से संवाद किया गया। संत माधवानंद ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य यह है कि उन्हें एकता प्रेम की भावना के साथ हिंदू समाज एकजुट होकर भेदभाव भूलकर हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, साथ ही हिंदू धर्म से जुड़े अनेकों संदेश यहां पर दिए गए। इस स्नेह यात्रा का जन अभियान परिषद, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, गायत्री परिवार और रामचंद्र मिशन के सहयोग से आयोजित की जा रही है। बागली सरे पाटीदार की रिपोर्ट। ये है साधन है, शरीर है, जीवन है, भोजन भी चाहिए, मगर ये लक्ष्य नहीं है। एक कहा जाता है, हम जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं। देखो ये खाने के लिए जीते हैं बोल रहा तू समझा ही नहीं है, बिना समझ के बोल दिया लड़का। हम लोग क्या करते हैं, जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते नहीं। इसने बोला तो कोई खाने के लिए जीता नहीं है, और जो नहीं समझे वो बोल दिया और बाद में समझेगा। ये स्नेह यात्रा का पहले मैं बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त से लेके और 26 अगस्त तक इस यात्रा का आयोजन किया गया है। 11 दिवसीय यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में समानांतर 52 जिलों में चल रही है। और अपन अगर देवास जिले की बात माने तो चार विकास खंडों में ये यात्रा पूरी हो गई है, और प्रतिदिन हम 10 गांव इसमें कवर कर रहे हैं। आज 9वां दिन है और लगभग 85 से 90 गाँव हम इसमें कवर कर चुके हैं, और अभी 3 दिन और इस यात्रा चलने वाली है। इस यात्रा में हमारे परम पूज्य संत स्वामी माधवानंद जी महाराज पटियाला से आए हुए हैं, वो हमको इस यात्रा में आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसरूप ये यात्रा संतों के सानिध्य में शासन के समन्वय से जन अभियान परिषद द्वारा संचालित इस यात्रा का आयोजन किया गया है, और इस यात्रा में 4 प्रमुख संस्थाएँ हमको सहयोग दे रही हैं, गायत्री परिवार, पतंजलि परिवार, योग आचार्य श्री रामचंद्र मिशन, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, और बाकी के सारे जो ग्रामीण जन हैं, ग्राम हैं, वो हमको सभी लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देवेंद्र शर्मा, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद देवास। ज्ञान लोगों को दे दिया जाए, एक अवेयरनेस, एक जागृति दे दिया जाए, और नाम दिया गया स्नेह। स्नेह माने प्यार, घृणा भेदभाव का जो एंटीडॉट है वो प्यार ही है, वो स्नेह ही है। अब व्यक्ति के अंदर अगर स्नेह प्यार मिल गया तो दूसरे को देगा, और ये स्नेह प्यार कब मिलेगा, जब वो धर्म से अध्यात्म से जुड़ा रहेगा, थोड़ा सा शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठेगा और अपने सोचेगा कि जो भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मेरे जीवन के सार्थकता कहाँ है, मेरे जीवन सार्थक कब है, कि एक तो समाज के स्तर पर मैं एक को मैं सेवा करूँ, प्यार दूँ, तो उसमें मुझे एक आनंद आता है, और जब मैं धर्म अध्यात्म में जुड़ूं तो वो मुझे आनंद आता है। यही संतों के मुख से बताने के लिए ये बताया गया है, और हम स्पेशली मुझे जो दायित्व दिया गया है देवास ज़िला में, मैं इस टीम के साथ घूम रहा हूँ। एक दिन में 10-10 गांव हम घूमते हैं, और जैसा अभी इस गाँव में रहे और बच्चों को भी ज्ञान दिया। ये अवेयरनेस धर्म का और स्नेह का, प्यार का, जो जितने बुराई अपनी व्यक्तिगत रूप में और समाज में है उसको जानना और दूर करना और प्यार बढ़ाना, यही मकसद है, यही उद्देश्य है। हरिओम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।